सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आप अपनी फाइल को सेव कैसे करें। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अपनी फाइल को सेव करना है उसको आप जो हमारी जो एक प्लेलिस्ट चल रही है या हमारी जो क्लासेस चल रही हैं स्टॉक फोटोग्राफी की, उसमें भी कुछ इश्यूज आएंगे आपको कि हाँ हम लोग सेव कैसे किया जाए और उसको अपलोड कैसे करें। तो आज मैं उसके ही बारे में बताने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए जल्दी से शुरू करते हैं इसको। हमारी क्लास से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये हमें सेव करना है। सबसे पहले तो उस आर्ट को सेव कैसे किया जाए उसके बारे में। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी कोई आप सेव करोगे तो उसमें एक आर्ट होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद आपको साइज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से साइज़ का आर्ट सेव करना है। जैसे वो साइज़ ये हो सकता है, जैसे ये 210 mm by 297 mm, जो A4 साइज़ होता है। बट अगर आप चाहते हो कि मेरा ये पूरा पूरा आर्ट आए, तो आप यहाँ से आर्टबोर्ड टूल लीजिए, ये देखिए शिफ्ट प्लस ओ इसका शॉर्टकट है, और अपने आर्ट के ऊपर आके डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये एक प्रॉपर टूल जो आपका है उस पे आके फोकस हो जाएगा। बट अगर आपका आर्ट कुछ इस तरह से है जो हम लोगों ने एक यहाँ पे बना रखा था आड़ा टेढ़ा सा, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सेटिंग मैन्युअली करनी पड़ेगी। अगर आपका आर्ट सीधा सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आर्ट सेट होने के बाद आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस, जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे ये आपके पास ब्राउजर विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप यहां से फाइल में जाइए और सेव एज पे क्लिक कीजिए, तब भी आपको सेम ब्राउजर विंडो खुलेगी। ब्राउजर विंडो खुलते ही आप इसको जैसे सेव करना चाहो वैसे सेव कर सकते हो। जैसे मैं इसको आर्ट के नाम से यहां पे अडोब इलस्ट्रेटर AI, PDF, EPS, AIT, SVG और SVG-Z, ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको सेव करने का दूँ AI में। AI पे आप सेव करोगे तो यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस कुछ पूछेगा। अगर आप अपने ही PC में काम करना चाहते हो तो आप जैसा चाहो वैसे सेव कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको अपने क्लाइंट के लिए काम करना है या किसी और के लिए काम करना है, तो उससे आप पूछ सकते हो कि उसके पास वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे सारे वर्जन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, 3, 8, 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 और CC। मेरा CC है तो मैं CC ही सेव करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी और को देना नहीं होता है, मुझे जस्ट अपलोड करके देना होता है। तो अगर आपके पास आपके किसी क्लाइंट के पास CS2 है या CS है या 10 है 9 है, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको सेव करके दोगे। मैं CC में कर रहा हूँ और ओके कर दूंगा, तो ये फाइल मेरी यहाँ से देखिए सेव हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आपको इसका इमेज बनाना है, जो आपको जैसे JPG हो गया या इसका विदाउट बैकग्राउंड, जैसे ये वाइट दिख रहा है विदाउट वाइट बैकग्राउंड। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, तो ये विंडो आपके पास खुल जाएगी जिसमें आएगा सेव फॉर वेब। ठीक है, तो उसमें आपकी यहाँ से JPG और PNG फाइल्स यहाँ पे बन जाएंगी आपकी। ठीक है, ये अपना जो रेजोल्यूशन है उसको मैक्सिमम रखिएगा, क्वालिटी आपकी 100% होनी चाहिए। ठीक है, और ये पीछे उसके बाद आप यहाँ पे सेव करोगे, सेव करने के बाद सेम आपके पास वैसी ब्राउजर विंडो खुल जाएगी, उसके बाद आप इसको सेव पे क्लिक कर सकते हो, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब बात करते हैं PNG की। PNG को सेव करने के लिए भी सेम शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस। जैसे आप करोगे यहाँ पे JPG के लिए, यहाँ पे PNG के दो ऑप्शंस हैं, PNG 8 और PNG 24। PNG 8 है जो जिसमें जो उसकी रेजोल्यूशन वगैरह है वो बहुत कम होती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि PNG 24 ही करें, फाइल साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, बट उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जैसे आप कहते हो कि फाइल करप्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो PS 24 में बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, तो PNG 24 करके जस्ट आप सेव कीजिए। ठीक है, जहां भी आपको सेव करना है वहां पे, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं शटरस्टॉक के कस्टमर्स की। शटरस्टॉक के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके पास खुलती है। उसके बाद आपको यहाँ से EPS, शटरस्टॉक हमेशा EPS फाइल्स मांगेगा, और जितनी भी अपनी स्टॉक एजेंसीज हैं वो सारी EPS फाइल्स ही मांगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग EPS फाइल पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, art.eps, और आप ये फाइल को भी कस्टम अपने क्लाइंट को दे सकते हो, उसमें उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली और उसका वर्जन का प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा अगर ईपीएस देते हो तो, ठीक है, क्योंकि ईपीएस फाइल कॉरल ड्रॉ में भी खुलती है और हर जगह पे मेजर जगह पे खुल जाती है। ईपीएस सेव करो, यहाँ से सेव का बटन प्रेस करो तो आपके पास सेम एक डायलॉग बॉक्स आएगा जैसे पहले आया था, उसमें इलस्ट्रेटर सीसी ईपीएस सेम वैसी फाइल्स बन जाएंगी बट आगे ईपीएस लगा होगा। शटरस्टॉक कभी भी आपको जो आपका जो भी वर्जन है उसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा इलस्ट्रेटर 8 ईपीएस या इलस्ट्रेटर 10 ईपीएस, ठीक है, तो मैं 10 आपको रिकमेंड करूंगा। उसके बाद आप इसको ओके करके, यहाँ पे ओके करके सेव कर दीजिए, आपकी फाइल अगेन सेव हो जाएगी और उसका फाइल साइज भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के आपने क्लास में सीखा फाइल को सेव कैसे किया जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।